अब अर्जुन मेघवाल भी इसमें शामिल है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और काफी कुछ इन्होंने संभाला भी है। इधर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीजेपी ने यूपी का सह प्रभारी बनाया है। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। सर, आपको एक नई जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी के तौर पर, इससे पहले आप पांडिचेरी के अंदर भी प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं और वहां पे पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी। देखिए, मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए, लेकिन जैसे आपने कहा, हमारी पार्टी की ये रणनीति होती है, जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं संगठन के भी प्रभारी सह प्रभारी लगाए जाते हैं और चुनाव के लिए भी चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी लगाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में आज का ये निर्णय है। लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी पांडिचेरी में, आपने वहां पे जो है पहली बार सरकार बनवाई एनडीए की और उसके बाद सीधा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आपको सह प्रभारी के तौर पर। देखिए, मैंने बताया ना कि ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन हम निश्चित रूप से जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएंगे। सर, कौन से मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर? दो ही मुद्दे हमारे, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। इन मुद्दों पे ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। और योगी जी ने सुशासन भी दिया, कानून की व्यवस्था भी ठीक रखी, आप जो मोदी जी की नीतियां हैं उसकी क्रियान्विति धरातल पे अच्छी तरह से उतारी। ये जो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट है, इसी मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में रहेंगे। क्या राम मंदिर इस चुनाव में आपको लगता है कि चुनावी मुद्दा नहीं है? देखिए मानसू जी, स्पिरिट बन रहा है राम मंदिर, तो निश्चित रूप से ये वैसे भी मुद्दा राजनीतिक नहीं है, लेकिन ये आस्था का विषय, लेकिन इस विषय इस पीरियड में बन रहा है, इसलिए कि इसका भी कोई न कोई जिक्र तो आएगा कहीं ना कहीं। सर, क्योंकि पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर। कुछ दिन पहले जो है मुजफ्फरनगर में उन्होंने महापंचायत की थी और किसानों के मन से ये कहा गया था कि हम बीजेपी का विरोध करते हैं। राकेश टिकैत हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि हमने बंगाल में भी बीजेपी के लिए के खिलाफ काम किया, अब यहां करेंगे। देखिए, हमारी जब अभी मानसून सत्र चल रहा था तो लगातार ये संसद लगा रहे थे, उसमें भी उनके यही मुद्दे थे, बीजेपी का विरोध करना, और हरियाणा में भी उनके यही मुद्दे हैं, पंजाब में चुनाव है उनका भी वही यही मुद्दा है। तो अब तो धीरे धीरे किसान आंदोलन का जो परतें हैं आपके मीडिया में भी साफ हो रही है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं।